आगरा में 11 सितंबर से शुरू हुई बारिश ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। इतना ही नहीं, ताजमहल के मुख्य गुंबद के सामने बने बागीचे में बरसात का पानी भर गया है। ताजमहल घूमने आए किसी पर्यटक ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। 12 सेकंड की वीडियो में दिखाई दे रहा है कि मुख्य गुंबद के लेफ्ट और राइट साइड पर बने पार्क में लबालब पानी भर गया है। पुरातत्व विभाग के सुपरिटेंडेंट ने बताया कि वीडियो गुरुवार के 12 सितंबर का है। काफी बरसात की वजह से जलभराव हुआ है, लेकिन पानी को निकाल दिया गया है। तेज बारिश के चलते ऐसा लग रहा है कि कहीं पानी मुख्य गुंबद तक न पहुंच जाए। इतना ही नहीं, ताजमहल के मुख्य गुंबद से गुरुवार को पानी टपकने लगा। पुरातत्व विभाग के कर्मचारियों की निगरानी के लिए लगा दिया गया है। हालत को देखते हुए पानी को निकालने का काम शुरू कर दिया गया है। 40 घंटे से भी अधिक समय तक हुई बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। आपको बता दें कि आगरा के कश्मीरी बाजार में पुराना मकान ढहने से 4 लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा फतेहपुर सीकरी में एक 15x16 मीटर की दीवार भी बरसात के कारण ढह गई है। पिछले 24 घंटे में आगरा मंडल और एटा कासगंज में 15 लोगों की जान चली गई है। वहीं एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। ताजमहल के मुख्य मकबरे से पानी टपकने लगा है। वर्षा के पूर्वानुमान को देखते हुए सभी जिलों में 12वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा में 11 सितंबर से शुरू हुई बारिश ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। इतना ही नहीं, ताजमहल के मुख्य गुंबद के सामने बने बागीचे में बरसात का पानी भर गया है। ताजमहल घूमने आए किसी पर्यटक ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। 12 सेकंड की वीडियो में दिखाई दे रहा है कि मुख्य गुंबद के लेफ्ट और राइट साइड पर बने पार्क में लबालब पानी भर गया है। पुरातत्व विभाग के सुपरिटेंडेंट ने बताया कि वीडियो गुरुवार के 12 सितंबर का है। काफी बरसात की वजह से जलभराव हुआ है, लेकिन पानी को निकाल दिया गया है। तेज बारिश के चलते ऐसा लग रहा है कि कहीं पानी मुख्य गुंबद तक न पहुंच जाए। इतना ही नहीं, ताजमहल के मुख्य गुंबद से गुरुवार को पानी टपकने लगा। पुरातत्व विभाग के कर्मचारियों की निगरानी के लिए लगा दिया गया है। हालत को देखते हुए पानी को निकालने का काम शुरू कर दिया गया है। 40 घंटे से भी अधिक समय तक हुई बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। आपको बता दें कि आगरा के कश्मीरी बाजार में पुराना मकान ढहने से 4 लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा फतेहपुर सीकरी में एक 15x16 मीटर की दीवार भी बरसात के कारण ढह गई है। पिछले 24 घंटे में आगरा मंडल और एटा कासगंज में 15 लोगों की जान चली गई है। वहीं एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। ताजमहल के मुख्य मकबरे से पानी टपकने लगा है। वर्षा के पूर्वानुमान को देखते हुए सभी जिलों में 12वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा में 11 सितंबर से शुरू हुई बारिश ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। इतना ही नहीं, ताजमहल के मुख्य गुंबद के सामने बने बागीचे में बरसात का पानी भर गया है। ताजमहल घूमने आए किसी पर्यटक ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। 12 सेकंड की वीडियो में दिखाई दे रहा है कि मुख्य गुंबद के लेफ्ट और राइट साइड पर बने पार्क में लबालब पानी भर गया है। पुरातत्व विभाग के सुपरिटेंडेंट ने बताया कि वीडियो गुरुवार के 12 सितंबर का है। काफी बरसात की वजह से जलभराव हुआ है, लेकिन पानी को निकाल दिया गया है। तेज बारिश के चलते ऐसा लग रहा है कि कहीं पानी मुख्य गुंबद तक न पहुंच जाए। इतना ही नहीं, ताजमहल के मुख्य गुंबद से गुरुवार को पानी टपकने लगा। पुरातत्व विभाग के कर्मचारियों की निगरानी के लिए लगा दिया गया है। फिलहाल आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।